ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह और मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बीच भोपाल सीट पर हो रहा मुकाबला सियासी गहमा गहमी का केंद्र बन गया है। बीजेपी के हिंदू कार्ड की काट में दिग्विजय सिंह ने हजारों साधु संतों को भोपाल बुला लिया है। इनकी कमान कंप्यूटर बाबा ने संभाल रखी है। ये वही कंप्यूटर बाबा हैं जिन्हें शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने मंत्री का दर्जा दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को समर्थन दिया। कंप्यूटर बाबा साध्वी प्रज्ञा पर हमलावर तो हैं ही, दिग्विजय सिंह की जीत के लिए यज्ञ अनुष्ठान भी कर रहे हैं। यही नहीं, कंप्यूटर बाबा की अगुवाई में साधु संत भोपाल की सड़कों पर भी घूम रहे हैं। बुधवार को दिग्विजय सिंह ने कंप्यूटर बाबा और उनके साथ आए साधु संतों के साथ रोड शो किया। भगवा झंडे लिए चल रहे ये साधु संत जब भारत माता की जय और हर हर नर्मदे के नारे लगा रहे थे तो लगा कि दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के हिंदू कार्ड को काउंटर करने का सही तरीका, लेकिन इस दौरान हुई एक घटना ने कांग्रेस को परेशान कर दिया। दरअसल दिग्विजय सिंह साधु संतों के साथ जब रोड शो कर रहे थे तब एक नुक्कड़ पर खड़े कुछ लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। आप भी सुनिए दिग्विजय सिंह के रोड शो में कैसे लगे मोदी मोदी के नारे। हालांकि जब लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए उस वक्त दिग्विजय सिंह आगे निकल चुके थे, लेकिन जब उन्हें इस बात का पता चला तो भोपाल पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने नारे लगाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। राजनीति के जानकारों की माने तो पुलिस की यह कार्रवाई कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।